हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रमजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ DSC के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो कि बहुत से काम में आ रहा है, जैसे PF का KYC वेरिफिकेशन करना या और भी साइट है dgft.gov.in जो गवर्नमेंट की साइट है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के साथ लॉगिन करनी पड़ती है तो लॉगिन के टाइम में हमें बहुत सारे इशू देखने मिलते हैं, तो वो इशू क्लियर कैसे करें वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैं साइट में जा रहा हूँ dgft.gov.in। यहाँ पे सर्विस में आई है, सर्विस में आने के बाद ये रिकॉर्ड ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन वाली पेज में आपको लॉगिन करनी पड़ती है। तो ये देखिए, मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो लॉगिन का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 11.0 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा आपका जावा अपडेटेड होना चाहिए और तीसरा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा ब्राउज़र अपडेटेड है, 11.0 है, तो दूसरा ऑप्शन में आता है जावा। तो मैं अपनी सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है, मैं इंस्टॉल करूँगा। गूगल पे जाइए और जावा डाउनलोड लिख दीजिए। अगर आपका सिस्टम में जावा नहीं है तो ऐसे आप जावा डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्री जावा डाउनलोड एग्री कर लीजिए और ये 1 MB का सेट ऑफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा, उसको रन कर दीजिए। रन करने के बाद जो भी इंस्टॉलर है वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, जो आपकी सिस्टम की बिट है, 32 बिट है या 64 बिट है, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जावा डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका जावा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आगे मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं अपडेटेड है कि नहीं। तो ये जावा इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया है। तो इसके बाद हमें चेक करनी है जो इंस्टॉल हुआ है वो सक्सेसफुली हमारे ब्राउज़र पे काम कर रहा है कि नहीं, या वर्जन चेक कैसे करें अपडेटेड है कि नहीं। अगर आपका जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ऐसे आप जावा वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वेरीफाई जावा वर्जन में क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर दें और यहाँ पे अपने आप डिटेक्ट करके बता देगा आपका जावा अपडेटेड है कि नहीं। अगर अपडेटेड नहीं है तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये अपडेटेड हो चुका है और कंग्रेचुलेशंस, यू हैव द रिकमेंडेड जावा इंस्टॉल्ड, ये दिखा दिया है, अब ये काम करेगा। तो फिर वापस मैं वहीं पे जाऊंगा रिकॉर्ड ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेगा, एक तो यहाँ पे लोडिंग देखने के लिए मिलेगा और दूसरा इसको इनेबल करना है। अब जो मैं बोल रहा था, ये देखिए मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 है, तो आपका भी 11 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम होगा तो नहीं काम करेगा। तो और थोड़ा जो कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं बोल रहा था आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आपका सेटिंग में जाना है, सेटिंग के बाद कंपैटिबिलिटी व्यू सेटिंग में जाना है। ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है dava.gov.in, इसको ऐड कर देना है और एक नंबर है, शायद वो IP है, IP एड्रेस है, तो उसको भी ऐड करना है, 164.100.78.104, तो इसको भी ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आप एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, लास्ट टाइम रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था, अब जावा अपडेट और थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये रेस्पॉन्स करने लग गया। So thanks for watching. Have a good day.